दोस्तों यहाँ पर देख ही सकते हैं कि मैं यहाँ पर कितना अच्छे तरीका से छठ पूजा का फोटो एडिटिंग यहाँ पर मैं किया हूँ, एंड आपको भी ऐसा फोटो एडिटिंग छठ पूजा का आपको मैं सिखाने वाला हूँ। एंड यहाँ पर देख ही रहे हैं काफ़ी मेरा प्रोफेशनल लेवल का यहाँ पर छठ पूजा का फोटो एडिटिंग यहाँ पर बनकर क्रिएट हो चुका है। एंड आपको भी मैं ऐसा फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको इमेज सेट ओपन कर लेना होगा अपना। एंड ओपन करने के बाद मैं आपको यहाँ पर छठ पूजा फोटो PNG आपको यहाँ पर सिंपली लिखकर सर्च कर देना है। एंड आपको यहाँ पर बहुत सारे पोस्टर मिल जाते हैं दोस्तों, जो कि आप यहाँ से अच्छे तरीका से अपना छठ पूजा का पोस्टर PNG बना सकते हो एंड एडिटिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले चलिए मैं कोई सा भी यहाँ पर देखें, बहुत सारे यहाँ पर मिल जाएंगे, आप यहाँ से डाउनलोड आसानी तरीका से कर सकते हो, लेकिन मेरे को यहाँ पर लेना है यहाँ पर दूसरा। तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर दूसरा यहाँ पर लिख दिया हूँ दोस्तों। एंड ये लिखने के बाद मैं सबसे पहले चलिए मैं यहाँ पर जगह काली वाला मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, और यहाँ पर चलिए कोई मैं अच्छे तरीका से यहाँ पर मैं पोस्टर देख लेता हूँ, जो कि दोस्तों काफ़ी यहाँ पर आपको सजाने में अच्छे तरीका से यहाँ पर आप सजा सकते हो। चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। एंड दोस्तों आप यहाँ पर अपना जैसा चाहे वैसा आप यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत सारे मिल जाते हैं दोस्तों। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और जो फोटो डाउनलोड किए हो उसको ले लेना है। चलिए मैं यहाँ पर ले लिया हूँ। एंड इसके लेने के बाद में आपको यहाँ पर एक अपना फ़ोटो लेना होगा दोस्तों। चलिए मैं एक अपना फ़ोटो अपना यहाँ पर ले लेता हूँ, जो कि दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर हाथ जोड़ के रहोगे तो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर एडिटिंग होगा। मैं यहाँ पर आपको सिंपली के लिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। एंड यहाँ पर आपको इलाइजर पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कट मार लेना होगा। चलिए मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी कट मार लेता हूँ, जो कि काफ़ी समय लग जाएगा मुझे यहाँ पर नहीं तो कट मारने में। और चलिए आपको यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कट मारना है, और मैं यहाँ पर स्प्लिट कर दिया हूँ। और चलिए मैं यहाँ पर इसको कट होने देता हूँ। ये देखो दोस्तों मैं यहाँ पर कट हो चुका है मेरा, और फोटो यहाँ पर पूरा यहाँ पर बैकग्राउंड हट चुका है। एंड ए हटने के बाद में दोस्तों फिर से आपको एड पर क्लिक कर फिर से आपको वही PNG आपको ले लेना होगा। चलिए मैं एक PNG दूसरा मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जो कि छठ पूजा का मैं डाउनलोड किया था, वहाँ से ही आपको ऐसा PNG मिल जाएगा, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर गाइड जो कि आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। चलिए मैं इसको भी लाइजर कर लेता हूँ। एंड आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इसको भी आपको यहाँ पर हटा लेना होगा। ये देखो यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर हट जा रहा है। एंड आपको इसको जूम कर लेना होगा, जो कि आपको यहाँ पर जूम करके नहीं करेगा तो अच्छे तरीके से यहाँ पर एडिटिंग नहीं होने पाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर एडिटिंग कर लेना है। एंड चलिए मैं यहाँ पर देखे दोस्तों यहाँ पर मेरा हो चुका है। एंड ए होने के बाद में आपको क्या करना होगा, ये देखो यहाँ पर ये करने के बाद में आपको सिंपली फिर से आपको यहाँ एड पर क्लिक करना है, एड फोटो पर। एंड ए क्लिक करने के बाद में आपको फिर से वही ले लेना है। चलिए मैं यहाँ पर फिर से वही ले लिया हूँ। एंड इसको क्या करना होगा, यहाँ पर नीचे पर साइड पर बैठा कर इसको भी यहाँ पर इलाइजर पर क्लिक करके आपको इसको भी इलाइजर कर लेना होगा। चलिए मैं इस साइड साइड पर कर लेता हूँ, जो कि काफ़ी देखने में यहाँ पर लाजवाब नहीं दिख रहा है। चलिए मैं इसको भी इधर भी कर लेता हूँ। इसे करने से यह होगा दोस्तों कि काफ़ी आपको यहाँ पर फोटो अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा। एंड ये करने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना होगा, चलिए मैं यहाँ पर मेरा हो चुका है। एंड चलिए मैं यहाँ पर मार लेता हूँ सही। सही मारने के बाद में आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ब्रश पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सिंपली रेड कर लेना होगा दोस्तों। ये करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर टीका लगा लेना है। टीका लगाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, एक बार टच कर देना है। एंड यहाँ पर आपको इलाइजर कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर इलाइजर कर दिया हूँ दोस्तों। ये देखो मेरा यहाँ पर प्रोफेशनल लेवल का एडिटिंग होकर बन चुका है। एंड यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। एंड यहाँ से आप सेव कर लीजिएगा।